तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट किरचॉफ्स लॉ का जो चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड वीडियो जो है उसमें आज हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। ठीक है, तो अभी तक हमने पहले वीडियो में अपने जो किरचॉफ्स लॉ चैप्टर है इसके पहले वीडियो में हमने सेल, सेल के प्रकार, ठीक है, और सेल के यूज्ड क्या होते हैं, और साथ ही साथ उसमें हम पढ़ा सेल से संबंधित परिभाषाएं, जिनमें सबसे पहली थी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, दूसरी थी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और जो तीसरी थी हमारी वो था हमारा टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। और एक इसमें हमने ये भी बताया था कि जो सेल होता है वो अपनी वोल्टता दो जगह देता है, पहला एक तो सेल के बाहर टर्मिनल विभवांतर को और दूसरा सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध को। ठीक है, ये दो जगह खर्च करता है। तो यहाँ से हम V की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा E माइनस आई इंटू आर, और इसी का यूज जो है हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। तो सेलों का संयोजन होता क्या है, तो सेलों का संयोजन करते क्यों हैं और इससे हमें लाभ होगा किस संयोजन से और किस संयोजन से हानि, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो सेलों का संयोजन क्या होता है, तो सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, अगर हम सेल को संयोजित कर रहे हैं, दो या दो से अधिक सेल को हम संयोजित कर रहे हैं तो उसी को कहा जाता है बैटरी। अब संयोजन कैसे हो सकता है सेल का, तो संयोजन तीन तरीके से हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने बता दिया इस तरीके से। पहला, जब पहले वाली बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल और दूसरे सेल है, बैटरी नहीं है, पहले वाले सेल का ऋण सिरा और दूसरे वाले सेल का भी ऋण सिरा, निगेटिव सिरा, वो आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पहले वाले का पॉजिटिव सिरा और दूसरे वाले का पॉजिटिव सिरा जब आपस में कनेक्टेड हो तब क्या होगा, और जो तीसरा है वो पहले वाले का निगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से जुड़ा हो। ठीक है, यानी निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा हो तब क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता क्या है कि जब निगेटिव वाले को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो इससे वोल्टता बढ़ती है, यानी विद्युत वाहक बल तभी बढ़ेगा जब सभी को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस आपस में कनेक्टेड है, माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से कनेक्ट किया गया है, तो इससे जो परिणामी विद्युत वाहक बल है वो बढ़ जाएगा, यानी ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री। अगर एक का प्लस दूसरे के प्लस से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, जिसका जिसकी विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा उसी से घटाएंगे। जैसे हमने मान लिया E1 ज़्यादा है और E2 कम है, तो तुल्य वोल्ट जो विद्युत वाहक बल है वो कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2, ज़्यादा वाले में से कम घटाएंगे। यानी जब समान सिरे आपस में जुड़े हों तब घटेगी वोल्टता, अगर विपरीत सिरे आपस में कनेक्टेड हो तो फिर वहाँ पर वोल्टता बढ़ती है, यानी विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता है। ठीक है ना, और ऐसे ही जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस जुड़े हुए हैं आपस में, यानी वोल्टता घटेगी। अगर माइनस माइनस जुड़े, प्लस प्लस जुड़े तो वोल्टता हमेशा घटती है, माइनस प्लस को ही अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो फिर वो जुड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी हमने क्या माना, ई वन ज़्यादा है, अगर ई टू ज़्यादा होता तो ई टू माइनस ई वन करते, क्योंकि माइनस माइनस कनेक्टेड है, प्लस प्लस कनेक्टेड है, तो समान सिरा होंगे तो घटेगा, विपरीत सिरा होंगे तो जुड़ेगा, तो माइनस माइनस कनेक्टेड है, तो यहाँ से ज़्यादा किसे हमने माना, E1, और E2 क्या माना है, कम, तो E1 माइनस E2 तुल्य वोल्टता या तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। शुरू करते हैं हम सेलों का संयोजन, तो सेलों के संयोजन से बैटरी का निर्माण होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा भी, और सबसे पहला जो संयोजन इसका होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो इस संयोजन में प्रवाहित धारा, जो धारा प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, वो सभी सेलों के लिए समान होती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी सेल लगे होते हैं उन सभी में विद्युत धारा समान जाएगी। ठीक है, अगर विद्युत धारा समान है तो टर्मिनल विभवांतर असमान जाएगा, यानी वोल्टता जो प्रतिरोध पर जाती है ना, ये वाला V, ये अलग अलग जाएगा, क्योंकि बिंदु बदलेगा, अलग अलग सेल लगे हुए हैं तो अलग अलग बिंदुओं के बीच लगे हैं, तो फिर यानी विभवांतर बदल जाएगा। एक ही रास्ते में लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में ही आएंगे, और क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है।
तो मान लिया हमने दो पॉइंट हैं और इनके बीच हमने दो सेल लिए हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं। हम जानते हैं हर एक सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध है, तो ऐसे पहले वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 और दूसरे वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 है। अब क्योंकि ये एक दूसरे से श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है, तो श्रेणी क्रम ये भी है, क्या ये श्रेणी क्रम नहीं है? ये भी है, लेकिन इस वाले का प्लस इस वाले के माइनस से कनेक्टेड है, तो हमको पता है यहां पर वोल्टता बढ़ेगी, जुड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पर हमने मान लिया जो वोल्टेज है पहले वाले सेल की टर्मिनल विभवांतर कितना है, यानी आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ करके जो बाहर वोल्टेज देगा यह विद्युत वाहक बल सेल, वो V1 है, टर्मिनल वोल्टता। और आंतरिक यानी अंदर ऊर्जा, भाई हमने बताया था अगर कोई सेल है 10 वोल्ट का है तो वो 2 वोल्ट अपने अंदर बचा के रखेगा, 8 वोल्ट बाहर देगा, और बचाए कि किसके लिए? आंतरिक प्रतिरोध के लिए। और बाहर कितने जाएगा? हमने मान लिया दूसरे वाले सेल से V2 जा रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को आपस में, दोनों सेल को एक ही कर दिया जाए, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसे हमने मान लिया E इक्विवेलेंट, और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसे E इक्विवेलेंट मान लिया गया, और जो धारा प्रवाहित हो रही है क्योंकि मिक्स किया गया तो धारा तो वही रहेगी, और साथ ही साथ जो इसका टर्मिनल विभवांतर है, टर्मिनल वोल्टता, वो VEQ यानी V इक्विवेलेंट V तुल्य मान लेंगे। तो इन दोनों का जो तुल्य मान आएगा, तुल्य परिपथ बनेगा, यानी इन दो जो ये दोनों मिल करके कार्य कर रहे हैं, वो अकेला ये कार्य कर रहा है, तो इसे कहा जाता है तुल्य, ठीक है। चलिए देखते हैं टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता का सूत्र हमने बताया भी अभी, V = E - I × R, इसी का यूज करेंगे। तो V बराबर हमने देखो इस वाले, अगर इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो इसकी वोल्टता कितनी हो जाएगी? V1 + V2, क्योंकि ये प्लस जुड़ा और ये क्या है? माइनस, तो यहाँ पर जुड़ेगी वोल्टता, चाहे विद्युत वाहक बल हो, विद्युत वाहक बल भी तो वोल्टता बताती है, ठीक है। तो ये V1 और ये V2 अगर जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर जाएगा? VEQ के बराबर, तुल्य वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जितना मिल करके कार्य करेंगे उतना ये अकेला कर रहा है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो V1 + V2 हो जाएगा, और इसका वोल्टता कितनी है? VEQ है। तो कह सकते हैं जो V है वो V1 + V2 के बराबर, V है किसका? इक्विवेलेंट वाले का है, तुल्य वाले का है, और V1 ये पहले सेल का है और V2 दूसरे सेल का है। तो VEQ बराबर क्या हो जाएगा? V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले वाले के लिए V1 के लिए विद्युत वाहक बल कितना है? E1, तो E1 रखेंगे, E - IR होता है, तो विद्युत वाहक बल E1 है, E1 रखेंगे, -I धारा तो I है, और आंतरिक प्रतिरोध पहले वाले सेल के लिए R1 है, तो R1। ऐसे V2 का मान दूसरे वाले सेल के लिए, तो दूसरे वाले सेल के लिए विद्युत वाहक बल E2 है, तो E2 -IR, यही तो होता है E - IR, तो वो विद्युत वाहक बल E2 है, E2 रखेंगे, और आंतरिक प्रतिरोध R2 है, तो R2 रखेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे? यहाँ से E1 और E2 को एक साथ लाएंगे, और इन दोनों में से हम क्या कामन ले रहे हैं? माइनस का I, तो इधर क्या बचा? R1 + R2, क्योंकि दोनों से माइनस बाहर चला गया। अब हम अगर यहाँ की बात करेंगे तुल्य वाली वोल्टता, तो तुल्य वोल्टता के लिए देखो विद्युत वाहक बल कितना है? E इक्विवेलेंट है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R इक्विवेलेंट है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? E - I × R, क्योंकि ये इक्विवेलेंट के लिए, तो E भी इक्विवेलेंट, R भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर इन दोनों की तुलना कराएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो तुलना कराएंगे, तो E वाला भाग E के बराबर और R वाला भाग R के बराबर, E इक्विवेलेंट किसके बराबर जाएगा? E1 + E2, समान वाले का समान से। यहाँ -I था, यहाँ पर -I है, -I के जस्ट बाद REQ था, आंतरिक प्रतिरोध का तुल्यमान, और यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध का तुल्यमान कितना आ रहा? R1 + R2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 + R2। ये श्रेणी क्रम का वोल्टता है, तुल्य वोल्ट विद्युत वाहक बल, और ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध उस सेल का जिसका हम यूज कर रहे हैं। ये वाला प्रोसेस हमने समझा भी दिया था। अब नोट में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि यहाँ से देखेंगे, यदि हमने मान लिया कि N सेलों को जिनके जिनमें प्रत्येक के विद्युत वाहक बल E हैं और आंतरिक प्रतिरोध R है, अभी तक हम E1, E2, R1, R2 मान करके चल रहे थे, अब हम प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E मानेंगे और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R मानेंगे, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा?
तो हमने पढ़ा श्रेणी क्रम के लिए तुल्य आंतरिक तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होता है, ई तुल्य बराबर ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर प्लस ई फाइव, जितने भी आएंगे डायरेक्ट जोड़ते हुए जाओ, दो आए थे तो दो जुड़े, तीन आए तीन जुड़े, दस आए तो दस जुड़ेंगे, एन आए हैं तो एन जुड़ेंगे, क्योंकि एन सेल का यूज किया गया ना, ठीक है। तो ई तुल्य बराबर, अब सभी के क्योंकि विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, तो ई वन भी ई है, ई टू भी ई है, ई थ्री भी ई है, चौथा वाला भी ई है, पांचवा वाला भी ई है, एनवा वाला भी क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो ये कितनी बार जोड़े गए हैं, दो बार जोड़े जाते ई प्लस ई तो दो ई होता, तीन बार जोड़ते तो तीन ई, चार बार जोड़ते तो चार ई, पांच बार जोड़ते तो पांच ई, दस बार जोड़ते तो दस ई, एन बार जोड़ रहे हैं तो एन ई, ठीक है। तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, अगर हम एन सेलों की बात करेंगे तो, एन सेलों की बात करेंगे तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एन गुना हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है, आर वन एन सेल की बात करेंगे तो ये क्या होता है, दो जुड़े थे तो दो आर आर वन प्लस आर टू, तीन होते तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ऐसे ही चार होते तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, तो ऐसे एन लगे हो तो आर तुल्य बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव डॉट 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 एन लगे हैं तो प्लस का आर एन। अब क्योंकि सभी के विद्युत वाहक बल क्या माने, आंतरिक प्रतिरोध क्या माने गए हैं, आर माने गए हैं, ठीक है। तो पहले वाले का भी आर, दूसरे का भी आर, तीसरे का भी आर, चौथे का भी आर, पाँचवें का भी आर, दसवें का भी आर, एनवे का भी आर होगा, ठीक। तो कितने जोड़े गए हैं, अगर दो जोड़े जाते, एक जोड़ा गया तो एक आर, दो जोड़ते तो दो आर, तीन जोड़ते तो तीन आर, चार जोड़ते ऐसे ही तो चार आर, अगर जो दस जोड़ते तो दस आर, क्योंकि एन बार जोड़ा जा रहा है आर को तो एन आर हो जाएगा। तो जितना हम विद्युत वाहक बल लगाएंगे, अगर दस से लगा रहे हैं तो दस ई आएगा, विद्युत वाहक बल भी दस आर हो जाएगा। तो जितनी बार जितना हम सेल लगाएंगे उतना ही उसका क्या बढ़ जाएगा, विद्युत वाहक बल, लेकिन साथ ही साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा जितने हम लगा रहे हैं श्रेणी क्रम में सेल को। तो इससे तो हमें लाभ होगा नहीं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो सेल की पूरी वोल्टता है विद्युत वाहक बल, वो पूरा का पूरा हमारे बाहर वाले प्रतिरोध को मिले, यानी कि बल्ब को मिले, पंखे को मिले, बाहर वाले को मिले, अंदर ये कुछ भी ना बचाए, जो दो वो बचा रहा था, दस में से दो अंदर बचा रहा था, सेल आठ ही दे रहा था, हम चाहते वो दो भी ना ले। तो लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, अगर हम ई बढ़ा रहे हैं तो देखो आर भी बढ़ रहा है श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम में ई दो बार, देखो दो जोड़े थे तो आर भी दो बार जुड़ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जब हम सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, श्रेणी क्रम का संयोजन कराते हैं, तो विद्युत वाहक बल तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उसके साथ क्या बढ़ जाता है, आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और जिसका अर्थ यह है कि जो विद्युत वाहक बल है वो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ाएगा, अगर विद्युत वाहक बल बढ़ा रहे हैं तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ा रहा, तो इससे कोई हमें मतलब तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो एनर्जी है सेल की वो आर पर कभी ना जाए, आर को ना मिले, ठीक है। तो इसका कोई अर्थ होगा नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि एनर्जी आर पर भी हानि होगी, तो जितनी ई हम एनर्जी बढ़ा रहे देने के लिए उतनी ही अंदर आ रही। तो एक बढ़ाए थे दो वोल्ट ले रहा था, दो बढ़ाएंगे तो चार वोल्ट लेगा, क्योंकि हर एक से तो दो दो वोल्ट ले रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इसमें कि अगर हम विद्युत वाहक बल बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध भी उसका बढ़ता है, ये हमारा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रत्येक सेल का जो टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता है वो समान रहने वाला है और विद्युत धारा असमान हो जाएगी। तो जो असमान होगी हम उसी को पकड़ करके चलेंगे, जैसे उसमें वोल्टता असमान थी, टर्मिनल वोल्टता, तो उसे लेकर के चले थे, इसमें क्या है विद्युत धारा अलग अलग, तो इसे लेकर के चलेंगे। तो हमने मान लिया दो सेल हैं, पहला सेल ऊपर दूसरा सेल नीचे, और ये दोनों इस वाले पॉइंट से ऊपर वाला सेल भी कनेक्टेड है, ऊपर वाले सेल का प्लस और माइनस यहाँ पर है, नीचे वाले सेल का भी प्लस और माइनस इन्हीं से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं
कि जो पहला वाला सेल है उससे विद्युत धारा कितनी पास हो रही है मान लिया, क्योंकि प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर घूमती है ना, तो E1 के संगत विद्युत धारा कितनी I1 और E2 के संगत हमने मान लिया विद्युत धारा कितनी है I2। तो पहले वाले सेल का विद्युत वाहक बल E1 लिया गया, उसका प्रतिरोध कितना लेंगे हम फिर R1, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध भी सेल का होगा। और ऐसे दूसरा वाला जो सेल लिया गया उसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध क्या लिया गया है I2। पहले वाले सेल के लिए विद्युत धारा I1 ली गई है, दूसरे वाले सेल के लिए विद्युत धारा I2 ली गई है। तो ये यहाँ पर आकर के इधर से I1 आ रही, इधर से I2 आ रही, तो इस तरफ से कितनी पास होगी I1 प्लस I2, यानी तुल्य धारा मान लिया कितनी है I। वो जो I है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के ही तो बराबर है। तो I1 इधर से आई, I2 इधर से आई, तो इधर से कितनी गई I1 प्लस I2, और उसे हमने क्या मान लिया I मान लिया तुल्य, और जितनी जा रही उतनी ही वापस आएगी, यही तो होता है। चलिए, इस सेल से I1 जा रही थी तो आएगी कौन I1, इस सेल के लिए I2 जा रही तो इधर से वापस कौन आएगी I2, ठीक है। अच्छा, इसका जो तुल्य परिपथ कैसे बनेगा, यानी इन दोनों को आपस में खींच करके हम एक साथ ले आएंगे, तब ये इस जैसा बन जाएगा कि नहीं, जिसका विद्युत वाहक बल ई तुल्य होगा, जितना ये दोनों लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं उतना ये अकेला काम करेगा, ठीक है। क्योंकि देखेंगे तो ये दोनों इन दोनों बिंदुओं के बीच ही कनेक्टेड है, पहला वाला E1 भी है, दूसरा वाला E1, तो इन दोनों के टर्मिनल विभवांतर समान रहने वाले हैं, ठीक है। तो बिंदु समान है तो विभवांतर समान रहेगा, तो दोनों के विभवांतर समान रहेंगे, तो जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, क्योंकि समांतर क्रम की खास बात यही है, V तो कांस्टेंट ही रहेगा, यही तो बताएगा प्रत्येक सेल का, चाहे तुल्य इधर वाले संयोजन की बात करो चाहे तुल्य की बात करो। तो तुल्य की बात की जाएगी तो I कितनी जाएगी, I तुल्य लेंगे हम, R क्या लेंगे, R इक्विवेलेंट लेंगे, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध होगा और विद्युत वाहक बल भी क्या होगा तुल्य ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले सेल के लिए क्या करेंगे, वी बराबर हमने क्या पढ़ा है, वी बराबर ई माइनस आई आर, तो पहले वाले सेल की बात हो रही है, तो पहले वाले सेल के लिए भी वोल्टता कितनी है, V है, आंतरिक प्रतिरोध E1 माइनस धारा कितनी है I1, आंतरिक प्रतिरोध कितना है R1, ठीक, ये E1 विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना। यहाँ से I1 की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो इस वाले पूरे को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और V को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ठीक है। ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो क्या बन जाएगा E1 माइनस, ये इधर आएगा V, और ये पूरा पार्ट इधर आएगा, तो I1 R1। अब हमको I1 चाहिए तो R1 जो इसके साथ था उसे हम नीचे ले आएंगे, तो I1 की वैल्यू E1 माइनस V अपान R1 मिल गया। ऐसे इस दूसरे वाले सेल की बात करेंगे तो दूसरे वाले सेल के लिए टर्मिनल विभवांतर यानी वोल्टेज कितना है, V ही है विभवांतर, विद्युत वाहक बल कितना है E2 है, विद्युत धारा कितनी है I2 है, प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कितना है R2 है। यहाँ से जब I2 का मान निकालेंगे तो इन दोनों को इधर लाएंगे, यानी ये माइनस का था इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, और V इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो E2 माइनस V। अब ये वाला पार्ट पूरा इधर आया था I1 R2, अब हमको I2 R2 है ना, I2 R2 इधर आया प्लस में था, I2 को रोकेंगे तो I2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो I2 की भी वैल्यू हमको मिल गई है E2 माइनस V अपान I2। अब हम क्यों पढ़ेंगे थोड़ा सा एक और कि I तुल्य क्या होगा, यानी इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे यानी खींच करके हम इकट्ठा करेंगे तो ये दोनों पतले होकर के एकदम ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो ये तुल्य परिपथ ऐसे बन जाएगा, यानी तुल्य सेल, जितना ये दोनों मिल करके कार्य करें उतना ये अकेला, तो ये दोनों मिल करके कितनी विद्युत धारा पास करा रहे हैं I1 प्लस I2, जिसे हमने क्या नाम दिया I तुल्य, ठीक है। दोनों का टर्मिनल विभवांतर तो चेंज होगा नहीं, वो तो विभवांतर वैसे ही रहेगा दोनों बिंदुओं के मध्य, वही चीज़ है बिंदुओं के मध्य, उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगा हुआ है, और इसके इन दोनों को आपस में जब मिलाएंगे तो सेल का विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा ई तुल्य हो जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध भी आर तुल्य हो जाएगा। तो आई तुल्य के लिए हम क्या करेंगे, ये आई तुल्य की बात करेंगे, आई तुल्य के लिए विभवांतर कितना है, विभवांतर वी है, ई का मान कितना है ई तुल्य है, विद्युत धारा आई तुल्य है, प्रतिरोध आर तुल्य है। अगर आई तुल्य का मान निकालने जाएंगे तो ई माइनस वी अपान आर तुल्य जाएगा, आई तुल्य का मान मिल गया। अब ये हमने फार्मूला पढ़ा है, देखो यही आई तुल्य, देखो ये दोनों आपस में मिल करके कितनी विद्युत धारा पास करा रहे हैं I1 प्लस I2, उतनी ये अकेले पास करा रहा है आई तुल्य, तो आई तुल्य बराबर I1 प्लस I2, तो इन दोनों की मिक्स धारा ये अकेली धारा जोड़ेगी।
ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं आई तुल्य की, कितनी हो जाएगी ई तुल्य माइनस वी अपान आर तुल्य। अब आई वन का मान कितना, आई वन का मान ई वन माइनस वी अपान आर वन, ई वन माइनस वी अपान आर वन, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे। आई टू का मान आई टू ई टू माइनस वी अपान आर टू, ई टू माइनस वी अपान आर टू। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इनको कर रहे हैं, इनको अलग कर रहे हैं, इनको अलग कर रहे हैं, आर आर वन आर वाले को हम ई और वी से बांट रहे हैं अलग अलग। तो इधर क्या हो जाएगा, ई तुल्य के बटे में आर तुल्य हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का वी बाहर लेंगे और ऊपर क्या बचा वन और नीचे आर तुल्य। इधर भी करेंगे तो ई तुल्य के नीचे आर आर वन, यानी ई वन को आर वन दे दिया गया, बांट रहे हैं, और माइनस वी को आर वन दे दिया गया, ई वन को आर वन दिए, वी को आर वन दिए। इस वाले में क्या कर रहा, आई टू ई टू के भी साथ जाएगा और माइनस वी वाले के भी साथ जाएगा, ठीक है, अलग अलग कर दिए। फिर आगे क्या करेंगे हम, तो आगे क्या करते हैं हम, ई तुल्य बटे आर तुल्य अलग, v अलग था बाहर निकाले, ऊपर वन अपान आर तुल्य क्यों निकाले अभी आगे पता चल जाएगा। e वाले पोर्शन को हमने यहीं पर एक साथ लिख दिया था, लिख दिए माइनस, इन दोनों में क्या कामन है, v माइनस का कामन है, कामन ले लेंगे। ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर r1, चिन्ह माइनस के हैं अलग, बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ प्लस के हो जाएंगे, ऊपर वन अपान आर वन और ये प्लस का वन अपान आर टू बचेगा। दोनों की कंपेयरिंग कराएंगे, तुलना कराएंगे, तो ई वाला ई बटे आर, ई बटे आर वाले जाएंगे, माइनस वी के साथ जो था वन अपान आर तुल्य वो माइनस वी के साथ इस वाले के साथ जाएगा, तो ये वाला इसके बराबर जाएगा, ये वाला इसके बराबर, क्योंकि ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, ये वी है, ये वी है, वी के साथ वाला वी के साथ जाएगा। तो ई वन ई तुल्य बटे आर तुल्य कितना आएगा, ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू। ऐसे ही वन अपान आर तुल्य कितना आएगा, तो वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू आ जाएगा। ये इसका हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे, उदाहरण के लिए समझेंगे। जैसे यदि जो सेल हमने लिए उनमें से हम एक दो सेल ना लेते, एन सेल लेते, दो चार दस आठ पंद्रह बीस, तो एन सेल जिनमें प्रत्येक के विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर है, एक समान है, अलग अलग नहीं माने, समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना जाएगा, ये हमको बताना है। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, वन अपान आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है, वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू, ये दो सेल के लिए था। एन सेल के लिए वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री प्लस डॉट 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 वन अपान आर एन, ठीक है। तो सभी के विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध एक समान है, चाहे वो पहले का चाहे दूसरे चाहे तीसरे, R1 भी R है, R2 भी R है, R3 भी R है, Rn भी R है। तो ये कितनी बार जोड़ा, देखो दोनों सभी में हर में क्या कामन है, R, तो R बाहर निकाल लेंगे। देखो कितनी बार ये वन अपान R जोड़ा गया, अगर दो बार जोड़ा जाता तो दो बटे R हो जाता, एक बार जोड़ा गया एक बटे R, दो बार जोड़ते तो LCM लेते तो नीचे R ही रहता, और एक दो तो दो बटे आर, अगर तीन बार जोड़ा जाता तो एलसीएम सभी का आर ही आता, एक दो तीन बटे आर हो जाता। तो एक बार जोड़ते तो एक बटे आर, दो बार जोड़ते दो बटे आर, तीन बार जोड़ते तीन बटे आर, दस बार जोड़ते दस बटे आर, एन बार जोड़ रहे हैं तो एन बटे आर। तो अगर वन अपान आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर इक्विवेलेंट करेंगे तो इसे पलट देंगे तो इसे भी पलट देंगे, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर बाई एन, ठीक है। और n मतलब है कितने सेल लगे हैं, अगर दो सेल लगे हैं तो r का मान आधा हो जाएगा इक्विवेलेंट, तीन लगे होंगे तो फिर तिहाई हो जाएगा, यानी r का मान कुल मिलाकर के बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, भाग का मतलब कम होना, तो r कम हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, और जिससे ऊर्जा हानि जो सेल अंदर की ओर कर रहा था, अंदर दे रहा था, वो कम होगी। ऊर्जा हानि पूरी की पूरी नहीं दे गई लेकिन कम करेगा श्रेणी की अपेक्षा, ठीक है, श्रेणी कम की। ऐसे ही हम इक्विवेलेंट के लिए, तो इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट कितना आया था, देखो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कितना आया था, ई वन अपान आर वन, ई टू अपान आर टू, अगर जो तीन होते तो ई थ्री अपान आर थ्री, चार होते तो ई फोर अपान आर फोर। अब क्योंकि हमने कितने लिए हैं, देखो यहाँ पर लिए हैं एन लिए हैं, तो पहले के लिए ई वन बटे आर वन, दूसरे के लिए ई टू बटे आर टू, तीसरे के लिए ई थ्री बटे आर थ्री प्लस डॉट 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 एनवे के लिए ई एन बटे आर एन, ठीक है। अब क्योंकि सभी के विद्युत वाहक बल ई हैं, तो पहले वाले का भी ई, दूसरे का ई, तीसरे का ई, ऐसे एनवे का भी ई, सभी के विद्युत आंतरिक प्रतिरोध भी एक जैसे हैं, तो आर वन भी आर है, आर टू भी आर है, आर थ्री भी आर है, आर एन भी क्या होगा, आर होगा। तो देखो सभी में एलसीएम लेंगे तो सभी का एलसीएम क्या है, देखो आर है,
और ई ऊपर देखो कितनी बार जुड़ रहा है, तो सभी में आर क्या है बटे में कॉमन है, तो आर बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा ई, इधर क्या बचेगा प्लस का ई, तीसरा वाला भी ई, ऐसे एनवा वाला भी ई, तो देखो ई कितनी बार जोड़ा जा रहा है, दो बार जोड़ा जाता दो ई, तीन बार जोड़ते तीन ई, एक बार जोड़ा एक ई, दो आए तो दो ई, तीन आए तीन ई, दस आए दस ई, एन आ रहे हैं, एन बार जोड़ा जा रहा है तो एन ई हो जाएगा, तो ये मान एन ई हो गया, और नीचे कितना बाहर कितना बचा था आर, हर वाला तो जुड़ेगा नहीं, ऊपर वाला जुड़ेगा ना, क्योंकि हर एलसीएम लेंगे तो आर आ जाएगा, ई कितनी बार जुड़ रहा है एन बार, तो एन ई हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आया एन ई अपान आर, अब इस वाले आर इक्विवेलेंट को हम ऊपर भेजेंगे एन ई अपान आर के साथ ही गुणा में जाएगा, आर इक्विवेलेंट हमने निकाला है अभी आर बटे एन है, तो आर बटे एन इसकी वैल्यू रख देंगे आर बाई एन, और यहाँ से एन एन कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा ई आएगा, तो ई अगर एन सेल लगा रहे हैं तब भी तुल्य विद्युत वाहक बल ई ही आएगा, दो लगाएंगे तब भी ई रहेगा, तीन लगाएंगे समांतर क्रम में सेल तब भी ई रहेगा, चार लगाएंगे ई रहेगा, दस लगाएंगे ई रहेगा, सौ लगाएंगे ई रहेगा, इससे तो हमारा विद्युत वाहक बल इसमें तो नहीं बढ़ रहा, चाहे दो लगाओ दस लगाओ एक हजार लगाओ पाँच हजार लगाओ, लेकिन हमारा आंतरिक प्रतिरोध घट रहा है, इसमें ये फायदा हुआ है, हमारा विद्युत वाहक बल तो नहीं बढ़ा है लेकिन घाटा भी नहीं हो क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध कम हो रहा है, अब हमें सेल से पूरा का पूरा लगभग लगभग विद्युत वाहक बल मिलेगा, पूरी पूरी वोल्टता मिलेगी। तो रिजल्ट क्या आया इसमें, अतः समांतर क्रम संयोजन में सभी सेल यानी संयोजन वाले जितने भी सेल का तुल्य विद्युत वाहक बल ई ही रहेगा, जितने भी संयोजन कर करके आए हैं सेल अगर सभी की विद्युत वाहक बल ई है तो चाहे वो 10 हो 100 हो 1000 हो सभी के तुल्य जो आएगा वो ई ही आएगा, परंतु आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है ना। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल तो ई ही रहेगा वो, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, तो इससे हमें लाभ मिलता है ये कि जो सेल अंदर अपने वोल्टता दे रहा था वो अब कम देगा, जहां दो दे रहा था वहां आधा देगा। तो ये था हमारा सेलों का संयोजन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम जानेंगे KVL और KCL यानी किरचॉफ के नियम। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।